नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का नवभारत समाचार में। वैसे इसे हम स्वागत नहीं कहेंगे क्योंकि आज हम कल्याण स्मार्ट सिटी पे पहुँचे हैं रोड पे पड़े कचरे की खोज में, और मुझे लगा था कि यहाँ कचरा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जिस शहर को हम स्मार्ट सिटी कहते हैं वहाँ वैक्सीन ढूंढना उतना मुश्किल है लेकिन कचरा ढूंढना कितना आसान है। जैसे कि आप आ जाइए यहीं पे, आज हम गोल्डन पार्क इलाके में कल्याण के, मैं बता दूँ आपको। और ये जो कलाकारी है, ये जो कचरा पड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं कहीं पे किसी ने कोई सूखा कचरा फेंका है, गीला कचरा फेंका है, टॉयलेट सीट फेंकी है, बचा हुआ खाना फेंका है। और जैसा कि देखिए यहाँ कचरा, और वहाँ लिखा हुआ भी है कि यहाँ मतलब यहाँ कचरा मत डालिए। तो ये मतलब सिटी तो स्मार्ट हो जाएगी लेकिन फिर लोग स्मार्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। और जो कहते हैं स्मार्ट सिटी, तो ये कैसी स्मार्ट सिटी है मैं जानना चाहूँगा, और इसका इलाज क्या है वो भी मैं जानना चाहूँगा। देखो, इसका इलाज ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन क्या आप लोग इसका इलाज ढूंढना नहीं चाहते? क्या आप ऐसी स्मार्ट सिटी चाहते हैं? ज़रूर बताइए हमें। और ये देखिए, वहाँ थोड़ा दूर अगर आप देखेंगे तो वो कचरे का एक डब्बा हुआ करता था, उसमें कचरा पड़ा रहता था। अब वो भी कचरे का डब्बा भी कचरा ही हो गया है। और देखिए यहाँ भी मतलब एकदम भरा पड़ा है, एकदम एक कलाकारी है। इसे हम क्या इसे नाम क्या देना है, वही असमंजस में पड़ चुका हूँ एकदम। और कमाल है, कमाल है एकदम, क्या ही कहें। देखिए अब कचरे से और इस गंदगी से बीमारियाँ भी होती है, जानलेवा बीमारियाँ भी होती है, लेकिन ये बात अब हम किसे समझाएं, किसे बताएं, इसका इलाज कोई ढूंढे तो थोड़ा। नमस्कार, तो कचरे की खोज जारी है और मुझे लगा कि ये सफर थोड़ा रोमांचक रहेगा, लेकिन हर रोड पे, हर चौक पे जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दृश्य देखने मिल ही जाता है। और यहाँ भी ये अब हम फिलहाल आदरवाड़ी आ गए हैं, थोड़ा मुख्य इलाका है ये कल्याण का, और मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस शहर का मुख्य इलाका, जहाँ पॉश, जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो इलाका ऐसा है, तो फिर ग्रामीण इलाके का क्या, या फिर वहाँ के इलाकों का क्या हाल होगा। और ये हमारी स्मार्ट सिटी है, जो ये आगे जाके एक दो साल में यहाँ मेट्रो बनेगा, यहाँ लोग आएंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉश इलाका बनेगा, और ये शुरुआत है उसकी। तो बहुत अच्छी नींव मुझे लग रही है, और मुझे लग रहा है कि बदलाव आने वाला है बहुत बड़ा। तो अब बस ये गंदगी मेरे से भी सहा नहीं जा रही, मुझसे तो मतलब बदबू भी सह नहीं जा रही है, तो मैं तो मतलब चलता हूँ। नमस्कार, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बड़ी दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हम आप कचरे की खोज समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले मैं बता दूँ, हम अब इस इलाके में आए हैं, यहाँ एक कॉलेज है, यहाँ एक उद्यान है, और यहाँ ये सुंदर नज़ारा है, और ऐसे नज़ारे हर जगह देखने मिल रहे हैं, इसलिए हम ये खोज अब समाप्त कर रहे हैं। मुझे ही नहीं, मेरे कैमरामैन को भी इसमें परेशानी हो रही है, और हमें तो इससे ज़्यादा भयानक नज़ारे देखने मिले जो हम हमारे दर्शकों को देख कर उनका मन उदास नहीं करना चाहेंगे। और मैं तो बस, मेरे पास शब्द ही नहीं है इसे बयान करने के लिए। और अब हम कल्याण के उस इलाके में आ गए जहाँ से हमें डंपिंग ग्राउंड मिल रहा है, उस तरफ देख सकते हैं आप, वो कचरे का बड़ा एक पहाड़ बन चुका है, और मैं नहीं चाहूँगा कि पूरा शहर इस तरह बने। तो बस जैसे सिटी स्मार्ट हो रही है, मैं तो चाहूँगा लोग भी स्मार्ट हो, थोड़ी सरकार भी इस चीज़ को गंभीरता से ले, और मैं चलता हूँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमन प्यासी के साथ मैं नीतीश शर्मा, देखते रहिए नवभारत समाचार।